और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है ग्वालियर से, जहां पर कोरोना की वैक्सीन जो है वो शहर में पहुंच चुकी है। तो आपको बता दें, ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन पहुंची है। क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण प्रशिक्षण केंद्र स्थित वैक्सीन भंडार पर ये खेप पहुंची है। पुणे से सड़क के रास्ते ग्वालियर पहुंची है ये वैक्सीन। वैक्सीन के कुल 1,09,500 डोज जो है वो पहुंचे हैं। ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के 13 जिलों के लिए वैक्सीन बैंक द्वारा भेजी गई है। तो कोरोना वैक्सीन की पहली खेप जो है वो ग्वालियर पहुंची है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कमल वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, पहली वैक्सीन जो है वो पहुंची है, क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की, क्योंकि पहली खेप है तो भीड़ भी देखने के लिए जुटी है, हमने कई जगह ऐसा देखा है, तो वहां पर कैसे इंतजाम है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ग्वालियर में जो कोरोना की वैक्सीन है आज पहली बार आई है, जो सड़क के रास्ते आई है। वहीं ये जो वैक्सीन है 1,09,500 के आसपास जो वैक्सीन आई है, और ये ग्वालियर के 13 जिलों तक पहुंचाई जाएगी। और फिलहाल ये जो वैक्सीन है, जो पहले कर्मचारियों को, जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारी हैं, नगर निगम के कुछ कर्मचारी हैं जो कि जनता के बीच रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं, जनता के काम करते हैं, उन तक पहुंचाई जाएगी। उसके बाद ही ये आम जनता तक भी जल्द से जल्द पहुंचने का काम करेगी। और वहीं ये डॉक्टरों को, स्वास्थ्य कर्मचारियों को यही कहना है, उस गाड़ी की जो ग्वालियर पहुंची तो वहां उसको पूजन किया गया। पूजन के बाद उस वैक्सीन को धीरे धीरे सैंपलिंग के तौर पर सभी को कर्मचारियों को लगाई जाएगी। बहुत शुक्रिया कमल हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो ग्वालियर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां कोरोना वैक्सीन की पहली खेप जो है वो पहुंच चुकी है। क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण प्रशिक्षण केंद्र स्थित वैक्सीन भंडार पर ये खेप पहुंची है। पुणे से सड़क के रास्ते ग्वालियर ये वैक्सीन पहुंची है। वैक्सीन की कुल 1,09,500 डोज जो है वो पहुंचे हैं। ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के 13 जिलों के लिए वैक्सीन बैंक द्वारा भेजी गई है। तो ग्वालियर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं, भोपाल में भी कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। जगह हर जिले में ये वैक्सीन की खेप पहुंचाई जा रही है। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो शुरू होने वाला है। देश का सबसे बड़ा अभियान जिसे हम कह रहे हैं कोरोना वैक्सीनेशन अभियान, और इसमें सबसे पहले जो स्वास्थ्य कर्मी है उनको लगाई जाएगी, फ्रंटलाइन वर्कर्स जो है उन्हें लगाई जाएगी, आशा कार्यकर्ता है उन्हें लगाई जाएगी। बताया जा रहा है कि कुल 3 लाख लोग, सबसे 3 लाख स्वास्थ्य कर्मी जो है उन्हें सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन लगेगी, उसके बाद ये आम जनता तक पहुंचेगी। तो आपको अभी बता रहे हैं खबर ग्वालियर से, जहां पर कोरोना की पहली खेप जो है वो पहुंच चुकी है। पुणे से सड़क के रास्ते ग्वालियर ये वैक्सीन पहुंची है।